असलकम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे होंगे मेरी आज सारी क्लीनिंग हो गई कंप्लीट घर की थोड़ी थोड़ी करके की है और बहुत टाइम लगा है मुझे घर की सफाइयाँ करने में लेकिन आज सारा कंप्लीट हो गया शुक्र है अल्लाह का और बस अब मैं भी कल से इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी शुरू करूँगी मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ थोड़ी नहीं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो बस यहाँ पर आज ना मेरे बेटे का रूम रहता था और एक और काम रहता था घर का तो मैंने सोचा कि मैं वो करके और कल से शुरू करूँगी तैयारी तो अभी मैं इसके रूम में आई हूँ तो यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे लिए इतना कोई ख़ास काम था ही नहीं इसके रूम में सारा उसने खुद ही किया हुआ था मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि आप मेरे रूम को छोड़ दें वो तो मैं कर लेता हूँ खुद तो आप ना और जो कुछ करना है मुझे बल्कि बताएं तो मेरे बेटे को ना डस्टिंग करने का और इस तरह के काम करने का बहुत शौक है हर बच्चे की कोई अपनी क्वालिटी होती है ना बेटे में मेरे ये है कि वो ना डस्टिंग करता है और सफाइयाँ करता है इस तरह के काम उसको करने का शौक़ है छोटी बेटी को मेरी ना छोटी छोटी चीज़ें बनाने का शौक है कुकिंग करने का यानी शौक है वो माइक्रोवेव वाली एयर फ्रायर वाली चीज़ें ढूंढती रहेगी रेसिपीज़ वो वो काम करती है मेरे साथ हेल्प करवाती है और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको ना मैकेनिकल काम करने का बड़ा शौक़ है उससे चीज़ें तुड़वा लो जुड़वा लो कोई नई चीज़ लेकर आते हैं वो असेंबल कर देती है हमें यानी बेड तक उसको असेंबल करने आते हैं बड़ी बड़ी कबर्स भी वो असेंबल कर लेती है साथ अगर उसके हेल्प करवाओ यानी सिर्फ हेल्प वो होती है जो पकड़ने के लिए होती है कि अगर दो लोग चाहिए तो वो इस तरह के सारे काम लेती है ड्रिल मशीन के सारे काम उसको आते हैं मेरे घर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं वॉल्स पे वो सारी मुझे उसने लगा कर दी हुई हैं और मेरे बेटे को इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ये ड्रिल के के कामों से और इस तरह के। लेकिन उसको बहुत है करता है वो भी यानी उसको अगर आप बोलेंगे या हेल्प के लिए बोलेंगे तो जरूर करवा देगा वो आपको ड्रिल वाले काम भी करवा देगा लेकिन उसको खुद इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरी बेटी की जिसकी बात कर रही हूँ ना वो तो खुद आगे हो हो के कहती है बाकी काम मुझे नहीं करने बस मुझे ऐसे काम दे दें आप ड्रिल मशीन वाले काम दे दें इस टाइप के काम अभी थर्टीन ईयर्स की है माशाल्लाह लेकिन उसको उसको सारे काम इस तरह के आते हैं तो वही बात है कि हर बच्चे में एक अपनी क्वालिटी होती है मेरे बेटे में यह है कि वो अपने रूम को बहुत साफ सुथरा रखता है तो आज मुझे इसके रूम में आके बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज का पूरा दिन इसके रूम में लग जाएगा जिस तरह मैं बाकी रूम्स को साफ करती रही हूँ काफ़ी टाइम लगा मुझे क्लीनिंग करने में डीप क्लीनिंग करने में एक एक दिन पूरा लग जाता था एक रूम में या डेढ़ रूम हो पाता था तो इसलिए मुझे आज यही लग रहा था लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरा बहुत सारा टाइम बच गया था मुझे मैक्सिमम पाँच या दस मिनट लगे थे इसके रूम में बस थोड़ी बहुत डस्टिंग की जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी वो रखी और वैक्यूम किया और बस और ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ये मेरे बेटे की और मेरी ये रेड शर्ट वाली मैं हूँ और पिंक हैट वाला मेरा बेटा है पता नहीं मैंने उसको पिंक हैट क्यों पहनाई थी तो ये मैंने पाकिस्तान से बनवाई थी मैंने पाकिस्तान भेजी थी बेटे की पिक्चर घर का था उनको कि मुझे बनवा कर दें इस तरह दोनों की इकट्ठी करवानी है इस फोटो को देख के ना मेरी बेटियाँ कहती हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं है आपकी पिक्चर तो अभी उनके साथ बनवानी है मैंने इन और इस यूनिट के अंदर शैम्पू सोप इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर मैं आ गई अपने दूसरे घर में ये मेरा दूसरा घर है जो शेड बना हुआ है बाहर यहाँ पर देखें कितना सामान पड़ा हुआ है ये ना होता तो पता नहीं ये सामान मेरा कहाँ जाता इसीलिए ये हमें बनवाना पड़ा था उस टाइम क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और इसको बनवाने की वजह से हम पंद्रह दिन लेट मूव हुए थे इस घर में क्योंकि उस टाइम विंटर था और कोई हमें बना कर नहीं दे रहा था ये बहुत ज्यादा सर्दी के दिन थे और सर्दी के दिनों में इस तरह के काम यहाँ पर ना थोड़े कम ही किए जाते हैं थोड़े क्या बहुत ही कम होते हैं ऐसे काम यहाँ पर ना समर में होते हैं तो ये बड़ी मुश्किल से हमें बना कर दिया था और बस मैं यहाँ पर आ गई सफाई करने यहाँ पर मैंने ग्रोसरी रखी हुई है एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई हैं अपनी ये सामान रखा हुआ है जो अंदर नहीं आ सकता है पूरा तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको भी साफ कर लेती हूँ अच्छा है, ये काम भी खत्म हो जाएगा मेरा और यहां पर कर लिया मैंने डोर बंद क्योंकि बहुत शदीद ठंड आ रही थी बाहर से इसमें ना बिजली का और गैस का कनेक्शन नहीं है इतनी दूर अलाव नहीं है घर से ये काफी फासला बन जाता है इसका इस वजह से यहाँ पर इतनी दूर अलाव नहीं था और अगर अलाव करते हैं वो तो उसमें बहुत टाइम लगना था तो हम पहले ही पंद्रह दिन लेट हुए हुए थे तो हमने फिर ना छोड़ दिया था कि फिर बाद में कभी दोबारा करवा लेंगे तो बस यहाँ पर सारा साफ हो गया शेड और ये जो ड्रिंक्स आपको कोक नज़र आ रही है ये ऑलरेडी पहले कि हमारे पास पड़ी हुई है ये मैंने उसके बाद बाई नहीं की है ये बहुत अरसे की पड़ी हुई है यहाँ पर और ड्रिंक्स के साथ जो दूसरी साइड पर बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए हैं ना वो टूल्स हैं मुझे टूल्स को ठीक करके ऑर्गेनाइज़ करके रखने का बहुत शौक है मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं घंटों इस काम में लगा सकती हूँ और मैंने ना सब चीज़ें अलग अलग करके हर साइज के स्क्रू अलग रखे हुए हैं हर साइज का नेल अलग रखा हुआ है और जब कोई यूज़ करता है ना घर से तो मैंने पूरी नज़र रखी हुई होती है कि इन्होंने मिक्स तो नहीं कर दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टूल्स को ठीक करके रखना हालांकि मैं खुद यूज भी नहीं करती हूँ और उसके साथ शुगर पड़ी हुई थी शुगर यहाँ पर ना पेपर की पैकिंग में आती है तो वो ना ठंड की वजह से फिर वो पेपर ख़राब हो जाता है और शुगर बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती थी तो अब मैंने उसका हल निकाला है मैंने एक बॉक्स लाया हुआ है मैं बॉक्स के अंदर रखती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक रहती है क्योंकि बाहर हीटर नहीं है ना ठंड बहुत होती है शेड में बस वो सारे काम करने के बाद अभी काफी टाइम बच गया था तो मैंने सोचा कि मैं जाके ना ऑफर्स देखूँ ऑफर्स लगी हैं या नहीं मैं कुछ दिन पहले आई थी तो मैं यहाँ से पेस्ट्री लेकर गई थी फ़ोटी वाली और जो फोटी वाली होती हैं ना उनसे मैं रोल्स बनाती हूँ और थर्टी वाली जो होती हैं उनसे समोसे बनाती हूँ तो उस दिन पता नहीं क्यों मैंने थर्टी वाली यहाँ से उठाई नहीं तो मुझे आज दोबारा चक्कर लगा है यहाँ का और आज मैंने देखा है रमजान की ऑफर्स भी लग गई हैं लीफलेट भी पड़े हुए थे तो मैं उठा कर एक ले आई हूँ मैंने बस अभी सिर्फ पेस्ट्री ली है और कोई खास चीज़ अभी ली नहीं कि मैं वो लेकर आई हूँ तीन चार स्टोर हैं सब मैं देखेंगे कहाँ पर अच्छी लगी हुई हैं प्राइसेस और उसके बाद एक दो दिन में जाके फिर मैं शॉपिंग करूंगी रमजान की इन और ये देखें मैंने यहाँ पर यह मूली देखी तो मैंने सोचा कि मैं लेती हूँ मैं पराठे बनाऊंगी अपने लिए और कोई नहीं खाता है मेरे घर में मूली का पराठा बनाऊंगी और पराठे नहीं पराठा तो ये इतनी बड़ी बड़ी थी साइज में कि फिर मैंने नहीं ली और यहाँ पर बस पे कर लिया यहाँ पर अंकल बता रहे थे कि जो ऑरेंज पड़े हुए हैं ना ये पाकिस्तान से आए हुए हैं इनको ट्राई करें ये बहुत मीठे हैं तो फिर मैंने ऑरेंज भी ले लिए यहाँ से और प्याज भी लेने थे वो लिए और यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज फ्रीजर भी कर लेती हूँ क्योंकि आखिरी काम मेरा फ्रीजर का था मैं पेस्ट्री ले आई थी पहले भी लेकर आई हुई हूं ये आज भी ले आई हूं तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ्रीजर साफ करूंगी दो चीजें जाएंगी ना अंदर क्योंकि फ्रीजर में बच्चों की चीजें पड़ी होती हैं बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं स्कूल से आके यूज होती हैं और ये मिनी पिज्जा में बनाकर रखती हूँ और ये खत्म हुए हुए थे कुछ दिन पहले मैंने दोबारा बनाए तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी थी उस दिन तो अभी ये खत्म हो जाए और ईद के बाद इनशाला जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ अगर आपका दिल किया तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत अच्छे बनते हैं और फ्रीजर में ये बहुत लंबे टाइम के लिए ठीक रहते हैं और काफी सहूलत हो जाती है इनको बनाकर रखने से बस इनको निकालें और बेक कर लें इस तरह बच्चों के लिए भी ईजी हो जाता है कि बच्चे खुद बेक कर लेते हैं इन्हें जिस तरह पेटिस उनको मैंने सिखाए हुए हैं ये भी बताया हुआ है कि इस तरह बेक करने है तो वो खुद कर लेते हैं और यहाँ पर मैं दिखा रही हूं कि मैंने कुछ में वेजिटेबल्स डाली हुई हैं और कुछ में नहीं डाली हुई हैं क्योंकि मेरे घर में सब्जियां कोई नहीं खाता है और पिज्ज़ा सॉस भी मैंने बनाकर फ्रीज की हुई है आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल के क्यूब्स बनाए हुए हैं इसके तो इस तरह ये वेस्ट नहीं होती है जितने क्यूब्स चाहिए बस वो यूज़ हो जाते हैं और इस तरह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है कि छोटे छोटे काम करके रखे हुए हो ना तो फिर बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मेरी हेल्थ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा ईज़ी होता है ज़ाहिर अभी बच्चे छोटे हैं उस तरह कर नहीं सकते हैं हेल्प तो करवा देते हैं लेकिन पूरी कुकिंग अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने करनी है तो वो तो नहीं कर सकते छोटे मोटे काम करवाते हैं अगर चीज़ें बनाकर फ्रीज़ की हुई हो ना तो फिर इजी हो जाती है लाइफ अपनी भी और बच्चों की भी मुझे जब भी टाइम मिलता है या फिर मेरी हेल्थ थोड़ी मुझे लगता है कि इस काबिल है अभी मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ फिर मैं इस तरह के ना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और चीज़ें बना बना कर फ्रीज़ करती रहती हूँ साथ साथ तो इस तरह थोड़ा ईजी हो जाता है और बस यहाँ पर मैं फ्रीज़र साफ कर लूँगी मैंने पूरा फ्रीज़र खाली किया है उसके बाद ना इसका स्क्रैपर जो था वो शेड में बढ़ा हुआ था और ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं न स्पून से इसको सारा साफ़ कर लेती हूँ स्पून से मैंने आराम आराम से सारी उसकी आइस उतार ली क्योंकि अगर जोर से लग जाएगा तो वो डैमेज होने का डर होता है राम राम से ना काफी टाइम लगा था लेकिन ये कि काफी ज्यादा साफ हो गया था और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरा फ्रीजर भी साफ कर लेती हूँ फिर मैंने वो भी सारी चीजें निकाली वहाँ से भी और कुछ दिन पहले मैं चीज़ें लेकर आई थी आइसलैंड से ये ऑफर पे लगी हुई थी तो थोड़ी ज़्यादा आई थी तो इनके बॉक्सेस ने ना जगह ली हुई थी बहुत ज़्यादा तो मैंने इनके बॉक्सेस ना फेंक दिए और इनमें से चीज़ें निकाल के जिप लॉक बैग में डाल दी हैं डेट्स चेक कर ली थी मैंने इनकी तो डेट्स अभी काफ़ी लंबी थी उससे पहले इन शे खत्म हो जाएंगी इस तरह करने से ना काफ़ी ज़्यादा जगह बच गई थी फ्रीज़र में और बस ये मैं इस तरह करके रख लूंगी और क्योंकि मेरे फ्रीज़र में ना अभी बहुत सारी सब्जियां भी पड़ी हुई हैं चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं लाल आके मैंने बताया ना साथ साथ रखती रहती हूँ मैं अपनी सहूलत के मुताबिक ना अपनी चीज़ें सेट करके रखती हूँ सब्जियां भी जिस तरह करेले हो गए इस तरह की चीजें हो गई तो मैं ऐसी चीजें लाकर उनको साफ़ करके और पोषण बना कर रख देती हूँ फ्रीजर में और जब मुझे ज़रूरत होती है तो फ्रीज़र से निकाल के वो यूज़ हो जाती है फिर उसमें यह होता है कि मेहनत कम होती है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है और फिर मैं उस हिसाब से ना अपने लिए सहूलत ढूंढ लेती हूँ कि दिल तो सबका करता है कि सभी फ्रेश फ्रेश सब कुछ यूज़ करें लेकिन जब हेल्थ अच्छी ना हो और कोई हेल्प ना हो तो फिर इस तरह के सहारे ढूंढने पड़ते हैं तो इसमें कोई हर्ष नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं जाती है फ्रिज बार बार ऑफ नहीं होता है ऑन नहीं होता है तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है तो चीजें ठीक रहती हैं और ये मेरा चीज़ वाला बॉक्स है मैं इसमें फ्रीज़ करती हूँ चीज़ बच्चों को ही पता होता है कि इसके अंदर चीज़ है और जब उनको चाहिए होती है तो ये बॉक्स पूरा निकाल लेते हैं बाकी चीज़ें फ्रीज़र की ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ अगर फ्रिज में रखें तो तीन दिन के बाद वो आप यूज़ नहीं कर सकती हैं तो वेस्ट हो जाती है और अगर फ्रीज़ कर दें तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आप कर सकती हैं फ्रीज़ तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और ये वो लीफलेट है जो अंकल से मैं लेकर आई हूँ आज इस पर मैं आपको डेट दिखा रही हूँ ट्वेंटी थर्ड को ऑफर्स स्टार्ट होनी थी लेकिन ये इनके ना प्रिंट होने में देर हो गई है जब भी मैं जाती थी अंकल कहते थे अभी प्रिंट होकर नहीं आई है ऑफ़र्स ये लीफलेट नहीं आए तो ये आज मुझे मिल गया है थोड़ा सा लेट हो गया उनका कोई मसला होगा प्रिंटिंग में तो अब मैं इन दो चार दिन में जाकर रमज़ान की ग्रोसरी करूँगी और मुझे हर साल ना इसका बहुत वेट होता है क्योंकि इसके ऊपर ना ऑफ़र्स के साथ साथ प्राइस भी लिखी होती हैं तो ईजी हो जाता है चूज़ करना कि कौन सी जगह से क्या चीज़ लेनी है दो तीन स्टोर और हैं उनके भी होते हैं ये आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मिलेंगे कल इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज